हेलो एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो चलते हैं, जो मतलब कि अवेयरनेस है, उसके भी वीडियोस बना रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहली बात इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जान लेंगे इसके, इसको कहाँ लाया जाता है, इसका मतलब क्या है और ये क्यों इस टाइम इतना हॉट टॉपिक पे मतलब बन रखा है, क्यों। ठीक है, तो चलिए पहले जानते हैं ये है क्या। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर कोई भी पार्टी चल रही है, ठीक है, इस टाइम जैसे बीजेपी की चल रही है, तो उसको अगर हटाना है तो अपोजिट पार्टी क्या करेंगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएंगी, जो कि लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। तो मैं ये आप मतलब कंफर्म कर लीजिए कि लोकसभा ही में ही पेश किया जाता है, ठीक है, ठीक। और जब जो अपोजिट पार्टी हैं क्या करती हैं, इस पार्टी को हटाना है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव लाएंगी जो स्पीकर के पास, और स्पीकर उसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद उस पर जो होगा आगे बताया जाएगा। एक्सेप्ट करने के भी कुछ थोड़ा सा वो हैं, जैसे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है तो उसके लिए 50 मेंबर होने चाहिए उसके फेवर में, और उसके साइन कि ये 50 मेंबर हैं, और उसके बाद ये स्पीकर के पास जाएगा, स्पीकर इसको अलाउ करेंगे, फिर क्या होगा, फिर डिबेट होगी, दोनों ही पार्टीज़ की डिबेट होगी कि भाई अपोजिशन भी बोलेगी और जो इस टाइम पार्टी चल रही है वो भी बोलेगी, है ना। और जैसे कि ये चीज़ हो गया, ठीक है, और पहले इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे कि ये इतना ज़्यादा चल क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आज जब आज़ादी के बाद से आज तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन कितने बार लाया जा चुका है, 27 बार लाया जा चुका है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंदिरा गांधी जो हमारी पीएम रह चुकी थी, उनके ऊपर 15 बार लाया गया, पर एक भी बार सरकार गिरी नहीं, मतलब सरकार बनी की बनी ही रही। और जैसे कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके टाइम भी बनी रही, लेकिन जो 27 बार में दो बार ऐसा हुआ है कि पार्टी गिरी है, वो कौन से थे, जैसे कि पहले थे मोरारजी देसाई 1979, और हमारे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999। 27 बार में सिर्फ दो बार ऐसा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते इस सरकार इन दो सरकार को गिराया गया है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। और इस टाइम ये इतना हॉट क्यों चल रहा है, तो जो हमारे अपोजिट पार्टी हैं, बीजेपी की अपोजिशंस हैं, उन लोगों ने जो पूरी 26 पार्टीज़ हैं जो कि मिल करके ये एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आई हैं और खिलाफ़ बीजेपी के खिलाफ कि उनकी सरकार को गिराया जा सके। और मतलब और ये क्यों, इसलिए मतलब कि ये बोला क्यों जा रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों लाया जा रहा है, इसलिए लाया जा रहा है जो मणिपुर में, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा मणिपुर में क्यों इतना क्राइसिस चल रहा है। अगर नहीं मालूम तो आप हमारे वीडियो में जा करके, अब हमारे चैनल में जा करके इसका भी वीडियो देख सकते हैं कि मणिपुर में इतना वॉयलेंस क्यों चल रहा है। और उस वॉयलेंस के चलते जो हमारे पीएम हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। और सरकार का ये बोलना है कि ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो बोलने के लिए तैयार हैं, जो हमारे अमित शाह जी हैं वो बोलने के लिए तैयार हैं, तो फिर मोदी जी को क्यों। तो इस चीज़ को चलते हुए ये मोशन को लाया गया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2018 में जब 19 में वो होने वाले थे, इलेक्शंस होने थे वापस पीएम जी के, तब क्या हुआ, तब भी एक बार 2018 में बीजेपी के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाया गया था, पर उसमें भी सरकार को नहीं गिराया जा सका और वो बनी रही। देखिए क्या होता है आगे, वो उस चीज़ में ही पता चलेगा कि मतलब इस पहली बात तो देखिए मैं इसको बता दूं, जैसे कि अब पार्टी को हटाना कोई छोटी बात नहीं है, है ना। अब उसके लिए जैसे
उसके लिए हमारे पास कुछ परसेंटेज होनी चाहिए, इतने परसेंटेज के लोग हाँ कर देते हैं तो वो पार्टी ख़त्म हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। जैसे कि 55 हमारे मेंबर्स है, लोकसभा के मेंबर्स है, अगर उनमें से 273 अगर कह देते हैं कि ये पार्टी हम नहीं सपोर्ट करते हैं, इन्हें हटाना चाहिए, तो वो पार्टी गिर जाएगी, ठीक है। अगर मान के चलिए इस 273 कह देते हैं नहीं हम इससे बिल्कुल राज़ी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हटाने की, तो वो पार्टी बरकरार रहेगी। लेकिन अब देखिए क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा, क्योंकि बीजेपी का इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, तो देखिए क्या होता है वो तो आगे ही पता चलेगा। और आपको आपका क्या इसमें व्यू है कि हटना चाहिए नहीं हटना चाहिए, और नहीं हटना चाहिए तो क्यों नहीं हटना चाहिए, और हटना चाहिए तो क्यों नहीं हट मतलब कि क्यों हटना चाहिए, इसका रीज़न ज़रूर दें। तो आप क्या सोचते हैं और कैसा लगा हमारे ये सेशन, तो हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अपने व्यूज़ डेफिनेटली ज़रूर दें, क्योंकि व्यूज़ मिलते हैं तो लोगों की जो थिंकिंग है वो और बढ़ती है, तो उसको और इन्हेंस किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अगर नहीं समझ अगर मतलब कि कोई भी चीज़ क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।